अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैटरडे रजनी क्वालकर का 10th एडिशन है, चैप्टर 41, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड, प्रॉब्लम 3। वो कहता है मोनोवेलेंट मेटल है जिसका मोलर मास 63.54 ग्राम पर मोल दिया गया है, डेंसिटी 8.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी गई है, नंबर डेंसिटी बतानी है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की कॉपर में। अब सिंगल एटम का अगर हम मास निकालेंगे तो मोलर मास को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो वो आपके पास 1.055 टेन इस पर -22 ग्राम आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि हर एटम एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा क्योंकि मोनोवेलेंट है, मेटल है। अब आपके पास जो नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे पर यूनिट वॉल्यूम, उसे हम एन का नाम दे देंगे, डेंसिटी ओवर मास की वैल्यू लिख लेंगे। अब हमें डेंसिटी भी दी गई थी, सिंगल एटम का मास हमने कैलकुलेट कर लिया था, तो मीटर क्यूब में देखा जाए तो ये 8.49 टेन इस पर 28 पर मीटर क्यूब नंबर्स आ जाएंगे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम अवेलेबल होंगे कॉपर के लिए। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।